मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन द ऑनलाइन पोर्टल्स ऑफ तौहीद इंटरनेशनल एकेडमी। एंड टुडे वी लर्न मैथ्स क्लासेस क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3। एंड टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की जो है वैल्यू आपको फाइंड करने है। क्वेश्चन नंबर ए जो है क्या कह रहा है, -27 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है डिवाइड में है तो माइनस जो 27 है वो 27 से डिवाइड होगा तो कितनी बार मिल जाएगा, इसके हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू -1, यानी कि ये जो है डिवाइड हो जाएगा -27 बाई 27 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू -1। बी नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है x डिवाइडेड बाई -1 to 5 इक्वल टू -1, ठीक है, इसलिए लिख देंगे हम, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है डिवाइड में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 पहले से है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 to 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 to 5, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 1 to 5। सी नंबर क्वेश्चन x डिवाइडेड बाई 29 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 29 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 0, यानी कि देयरफॉर x इक्वल टू 0। सी नंबर डी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, -13 माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन -13 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स जो है ये हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, कैसे ये -13 जो है इधर आएगा तो 0 माइनस प्लस में है इधर आएगा तो 0 माइनस -13 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा +13 और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -13 हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन -12 माइनस एक्स इक्वल टू -13, ये क्या हो जाएगा, इसे जो है हम लोग -13 को इधर लाते हैं और माइनस एक्स को जो है उस पार हम लोग डालते हैं, क्या हो जाएगा -12 और इसे हम ला देंगे तो -13 इक्वल टू +x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, यानी कि हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1, सॉरी x इक्वल टू +1, क्योंकि जो है प्लस के जो है नंबर्स ऑफ प्लस जो है वैल्यू जो है प्लस का वैल्यू जो है ज्यादा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको लिखेंगे +1। f नंबर 7 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 7, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 7 5 35 और लिख सकते हैं हम लोग 7 5 -35 इक्वल टू 7x और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 5, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सो x इक्वल टू -5। जी नंबर -15 -15 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा और 0 से -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए g का x इक्वल टू 0 हो जाएगा। f नंबर जो है इसे हम देखते हैं 7 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई x। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं
ये जो है इसे हम लोग इसका वर्ग करते हैं, ये जो है यहाँ जो है बड़ा ब्रैकेट है तो पहले इसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 6 इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई माइनस 3x, ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 166 और 6 2 जा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 7 3 जा 21 माइनस 21x, ये हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय माइनस 21, 6 बार में चला जाएगा, इसलिए योर आंसर इज माइनस 6। ओके एवरी स्टूडेंट्स आर नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पॉज करके वीडियो को जो है रोक करके आप इसे अपने अपने कॉपी में जो है नोट करें, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एन इंटीजर डिवाइडेड बाय माइनस 7 गिव्स 9 फाइंड द इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स निकालना है कौन सा इंटीजर होगा जिससे जो है हम लोग डिवाइड करेंगे अगर माइनस 7 से तो हमें जो है 9 प्राप्त होगा। सबसे पहले लेट हम लोग मान लेते हैं कि वो इंटीजर जो है x है और x में जो है हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से माइनस 7 से तो हमें क्या प्राप्त होता है 9 प्राप्त। अब हम लोग x का वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू जो है कितना आता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि माइनस 7 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए और हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 97 जा माइनस 63। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन कि डिटरमाइन द इंटीजर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय माइनस 1 गिव्स माइनस 47, यानी माइनस 47 माइनस 1 में हम लोग कितना से डिवाइड करें यह जो है माइनस 47 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि x में जो है हम लोग माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हम लोग क्या प्राप्त होता है माइनस 47। लेट द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अब हम लोग x का जो है और लिखेंगे x इक्वल टू ये माइनस 47 मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस 1 और x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 47। 4 नंबर क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ये हमें देखना है। तो 0 ए नंबर क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 0, ये जो है ट्रू होगा, यानी किसी भी नंबर्स में जो है हम लोग या सॉरी किसी भी नंबर से अगर हम 0 में अगर डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है, तो ये ट्रू होगा। बी नंबर क्वेश्चन है माइनस 18 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा माइनस किसी भी नंबर्स में जो है हम लोग जब 0 से डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू जो है नॉट डिफाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे फॉल्स बी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0, यानी कि 0 से हम लोग जब 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ये भी जो है फॉल्स आएगा क्योंकि इसका भी मान जो है नॉट डिफाइंड होता है। डी नंबर क्वेश्चन जो है -10 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू 5, अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये आता है, -10 और डिवाइड कर देंगे -5 से तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5 सॉरी ये 2 है यहाँ, तो ये 2 से हम डिवाइड करेंगे 2 5 का 10 इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा ये ट्रू होगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स एंड फोर इज ट्रू। ओके योर चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।